मसूरी के युवक माधव भारद्वाज ने सिविल सेवा परीक्षा में 536 रैंक लाकर सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से मसूरी का नाम तो रोशन हुआ ही है, साथ ही परिवार में खुशी की लहर छा गई है। यूपीएससी का रिजल्ट आते ही माधव के घर में खुशियों की लहर छा गई। माधव को 536वीं रैंक हासिल हुई है। मसूरी के युवक माधव भारद्वाज ने अपनी सफलता के बारे में बताया कि उन्होंने 2020 से तैयारियां शुरू कर दी थी और गत वर्ष 3 नंबर कम होने के कारण से वे परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे, मगर दूसरी बार परीक्षा दी और सफल हो गए, जिससे वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में कार्य करते थे और बचपन से लक्ष्य बनाया था कि सिविल सेवा में जाना है, जिसके लिए कड़ी मेहनत की। यह परीक्षा काफी कड़ी है, लेकिन पूरी तैयारी की, इसके लिए पहले ही करियर सेट कर लिया। और माधव ने बताया कि उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की और फिर एमबीए किया और जॉब शुरू की, इसके साथ ही सिविल सेवा की तैयारी भी शुरू कर दी। वहीं माधव भारद्वाज के पिता राम कुमार भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने ही माधव को गाइड किया था, क्योंकि मैं लवासना में रिसर्च एसोसिएट के पद पर नौकरी करता था, बाद में सलाहकार के पद पर रहा तो देखता था कि देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तब लगा कि मसूरी से भी किसी को आना चाहिए। इतनी खुशी हो रही है ये बताते हुए, क्योंकि मैंने उसको इस चीज़ के लिए गाइड किया था, क्योंकि मैं खुद वहाँ काम करता था, तो हमने मैंने सोचा कि हमारे घर से भी कोई ना कोई यहाँ से हमारे एकेडमी में आना चाहिए। लोग दूर दूर से इस एकेडमी में आते हैं और इसमें अपनी ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, तो हमारे मसूरी से भी कोई ना कोई जाना चाहिए, जिससे वो मसूरी और इस एरिया की भी सेवा कर सके। मैंने 2020 में अपनी तैयारी करनी शुरू करी थी, तो लास्ट ईयर मेरा पहला अटैम्प्ट था जिसमें मैं 3 मार्क्स से नहीं सेलेक्ट हो पाया था। तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और जिसमें मैं 536 रैंक प्राप्त किया हूँ, तो उसके लिए मैं इस वक्त बहुत खुश और अपने पेरेंट्स का आभारी हूँ। पहले अपना करियर सेट किया, मतलब इंजीनियरिंग करी, एमबीए किया और अभी मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने जॉब के साथ साथ तैयारी करनी शुरू करी और उसके बाद 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये परिणाम आज आया है। और इसमें चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि इसमें आपको बहुत डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा पर्सिवियर करना पड़ता है और आपको पेशेंस रखना होता है और आपको लगे रहना होता है जब तक आपका मंजिल हासिल नहीं होती। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।